हेलो डी स्टूडेंट, आज हम यूपीएससी से कुछ हट के बात करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस पे कि यूपीपीसीएस 28 अक्टूबर को होने वाला है। हाँ, 28 अक्टूबर तो हमने प्लान किया है कि यूपी स्पेशल यानी जो यूपी लोकल है यानी उत्तर प्रदेश विशेष पर कुछ वीडियोज बनाए जाएँ, कुछ क्लास आपको दिए जाएँ ताकि आपको यूपीपीसीएस जो स्थानीय प्रश्न आते हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। देखो बहुत सारा मटेरियल मार्केट में है, बहुत सारे घर जगह जाएंगे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बस बात होती है कि किसी चीज़ को कैसे इजी बनाया जाए और कैसे इजी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्लान किया है वीडियो के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश विशेष पर लगभग 10 क्लासेस आपको दिया जाए, 10 क्लासेस। ठीक है, 10 क्लासेस में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं और हाँ, ये जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं वो 60 डेज का होगा। 60 डेज में हम इसको स्लोली कवर करेंगे ताकि आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ सकें। ठीक है, हम इसमें आपको यूपी का स्पेशल करंट अफेयर्स भी देंगे, यूपी स्पेशल जीएस भी देंगे, यूपी स्पेशल इकोनॉमी यानी यूपी से रिलेटेड जितनी यानी उत्तर प्रदेश पी से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको पास करवा सकता है वो हम 60 डेज में देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारा क्लास, ये यूपी स्पेशल हमारा क्लास 20 अगस्त यानी जस्ट 2-3 दिन बाद ये हम शुरू करने वाले हैं। 20 अगस्त 2018 से कितने तक? 20 अक्टूबर। ठीक है, यानी 20 अगस्त 20 सितंबर 20 अक्टूबर यानी आपको इस पीरियड में 60 डेज आपको मिलेंगे और साथ ही आपके जो 1 वीक है वो आपका बच जाए। कुछ लोग क्या कहते हैं लास्ट तक क्लास वीडियो डाल दें, इससे थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि लास्ट आप किस में पढ़ोगे, इसलिए जो 7 डेज हैं वो आपकी स्टडी अपनी स्टडी सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको रखे हैं। तो इनमें हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स यानी यूपी पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी उसका ट्रेंड है, हम पूरा उस पर फोकस करेंगे और ये 20 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और इस सिलेबस आप एक बार देख लीजिए कि हम 10 क्लास में आपको क्या क्या देने वाले हैं। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश सामान्य परीक्षा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश सामान्य परीक्षा सबसे पहला जो हमारा क्लास होगा वो है यूपी का सामान्य परिचय कि जैसे वो ग्लोब में कहाँ पर है, ठीक है, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, कितने उसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने मंडल हैं, जो सामान्य जनरल परिचय इस पर हम देंगे। दूसरा होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजना उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना। ठीक है, ये हम देने वाले हैं यानी यूपी की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो हम इसमें देने वाले हैं। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। तीसरा है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 यानी यूपी की जो सेंसस हुआ है 2011 में डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको करेंगे। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको करने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या ज़्यादा है और किस में कम है। ठीक है, तो ये है चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, चौथा टॉपिक रहेगा भारत उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का समस्त भूगोल हम करेंगे।
इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे, इसमें टॉपिक क्या क्या होंगे वो आपके पास समझा, सुन लीजिए यहाँ पे। उसमें भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति होगी, उसके बाद जलवायु होगी किसी यूपी की, मृदा होगी है ना, कृषि होगी इसमें, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में वन्य जीव एवं वनस्पति, ठीक है, तो इनकी हम ज्योग्राफी में बात करेंगे कि भौगोलिक स्थिति और जलवायु मृदा ये सब टॉपिक हम यहाँ करने वाले हैं। और ये तो हो गया हमारा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, और उसके बाद इसी हम करेंगे जनजातियां, जनजातियां ज्योग्राफी का इसको अलग से कर लेंगे जनजातियां। नेक्स्ट टॉपिक है संचार एवं परिवहन, संचार एवं परिवहन, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हम इसको करने वाले हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है, यूपी का जो कल्चर है वो संस्कृति है उसको भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक में है उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा में यानी कैसी उसकी प्रशासनिक ढांचा है इसको हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नाइन्थ टॉपिक है उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां। और हम इसमें करने वाले हैं दसवां टॉपिक है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर यानी समसामयिकी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये हमारे इतने टॉपिक हैं कि पहला है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, दूसरा है इसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, और तीसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना, चौथा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सामान्य भूगोल, है ना। इसमें भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मृदा, कृषि, नदियां, वन्य जीव एवं वनस्पति शामिल है। उसके बाद हम जनजातियां करेंगे, संचार एवं परिवहन क्या, कम्युनिकेशन है मतलब एनएच क्या है, रोड क्या है, रेलवे क्या है, सारी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, कल्चर एवं संस्कृति, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी क्या होती है उसमें हम करेंगे, उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं उनकी हम बात करेंगे, और फिर है सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा अगर इन टॉपिक्स के अलावा भी अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सर ये भी करवा दीजिए, तो उस टॉपिक को भी हम शामिल कर लेंगे, हो सकता है हमसे कोई छूट गया हो तो वो भी उसको हम शामिल कर लेंगे। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जब भी आप मेरी वीडियो देखें आपको क्या और चाहिए, क्या और अच्छा चाहिए वो आपको सब देंगे, ठीक है। तो ये हम 10 टॉपिक हैं, हम कोशिश करेंगे 10 टॉपिक्स को 15 क्लास में कंक्लूड करने का, ठीक है, और 15 क्लास जाएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे 10 हो, अगर 10 से 15 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स के साथ में देखेंगे, और दूसरी चीज़ ये है आपको बता दें यूपी टीसीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप बहुत ज़रूरी हैं,
यानी दो जब से क्वेश्चन आप इक्वेशन आ रहे हैं, और हाँ इतनी जो है कुछ लोग बोलते हैं भाई यूपीएससी का पैटर्न हो गया है, अब यूपीएससी की तरह सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है कुछ चेंजेस होंगे बट यूपीएससी का लेवल अलग है और स्टेट का मैक्स अलग। हाँ ये है कि 70% क्वेश्चन 70% पेपर पहले की तरह आएगा, 30% क्वेश्चन कुछ वो डिस्क्रिप्टिव देगा यूपीएससी लेवल का वो दे सकता है, लेकिन आप सोचो जैसा क्वेश्चन यूपीएससी का आता है वैसा आएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको पहला चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा है कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन पे बहुत फोकस कीजिए। और हाँ एक चीज और है, एक कोई भी बुक जी के लिए ठीक है, जैसे लूसेंट है ना, और भी कई सारी आती हैं कलियन वगैरह की, जो आपको इजी लगे कोई भी जीके बुक जिसमें सारा कुछ ले दिया, उसको कम से कम एक बार हफ्ते में जरूर रिवाइज कीजिए। ये बात मेरी अच्छे समझ लीजिए, मैंने बोला है जीके की कोई भी एक बुक, चाहे वो अरियंत की हो, लूसेंट की हो, किसी और पब्लिशिंग हो, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसको वीक में एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। ठीक है, बाकी तो हम यहाँ पे करेंगे ही। ये बात हमारी बात बहुत ध्यान से समझिए कि जीके की कोई भी एक बुक एक हफ्ते में रिवाइज करना आपको जरूरी है, प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा ऑप्शनल में हम प्रीलिम्स यूपीपीसी की ज्योग्राफी हम शुरू करने वाले हैं, आपने वीडियो देखा होगा, और ज्योग्राफी आप वहाँ से कर सकते हैं। ज्योग्राफी हम शायद 20 से ही शुरू कर लें, और ज्योग्राफी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ज्योग्राफी ऑप्शनल जनवरी दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, और शायद तब तक ही आपका मेंस होगा। ठीक है, तो आपका जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वहाँ से करते रहिए, और जीएस में हम यहाँ से करवाते रहेंगे। ठीक है, और हम आपको बताते हैं कि हम आपको 20 अक्टूबर तक फ्री कर देंगे, पीसीएस के सिलेबस से 20 अक्टूबर तक आपको फ्री कर देंगे। आप 20 से 27-28 अक्टूबर तक आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो हम यूपी सेशन 20 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, टाइमिंग रहेगी 11 बजे अगर हम ऑनलाइन आए तो। ठीक है, वरना 11 बजे तक वीडियो आपको आ जाएगा। हाँ, और इन टॉपिक्स के अलावा और भी अगर कुछ आपको चाहिए देन प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम वो आपको ज़रूर देने का कोशिश प्रयास करेंगे। थैंक यू।